व्हाट्सअप आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 रैशनल नंबर इंट्रोडक्शन सो लेट्स स्टार्टेड। तो आज ये हमारा पहला चैप्टर एनसीईआरटी का नाम है रैशनल नंबर। तो सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि सिंपल से कुछ एग्जाम्पल लेके पता करते हैं। मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें ऊपर और नीचे कुछ भी हो, जिसमें जो नीचे वाला वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। मतलब एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे 1/2 ये रैशनल नंबर है। हाँ, 1 रैशनल नंबर है। अगर 1 के यहाँ नीचे कुछ नहीं होता है, यानी कि हम क्या मानते हैं 1, तो 1/1 ये p बाई क्यू के फॉर्म में, और q 0 के इक्वल नहीं है, तो हाँ ये रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलूँ 5 रैशनल नंबर है, तो हाँ है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 हो गया। 3/8 रैशनल नंबर है, ये भी है। 5/2 रैशनल नंबर है, हाँ ये भी है। अब कौन से रैशनल नंबर नहीं है ये भी जान लेते हैं। तो देखो, जैसे 0.38972 ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसी जगह -7/3 लिखूँ, तो ये रैशनल नंबर है, हाँ ये भी रैशनल नंबर है। हाँ, अब रैशनल नंबर तो हमें पता चल गया क्या होता है। अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी भी जान लेते हैं। तो रैशनल नंबर नॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि दो रैशनल नंबर को, जैसे 2/1 रैशनल नंबर है पी बाई क्यू, और दूसरा रैशनल नंबर आर बाय एस, तो इसे प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे उससे क्या आता है, एक और रैशनल नंबर फॉर्म होता है। तो मतलब इसे अगर हम पी वाई क्यू और आर बाय एस को मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी करें, तो उससे हमेशा रैशनल नंबर ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे पढ़ते हैं? ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। यानी कि सिंपल था। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर फॉलो करती है कि कौन कौन सी सिचुएशन है, एक एडिशन में और एक एंड मल्टीप्लीकेशन में। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में रैशनल नंबर एडिटिव प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। मैं इसमें अलग से भी बता दूंगा, मैंने इस पर पहले से भी वीडियो बना रखी है मैथ्स पार्क की, उसका भी इंट्रोडक्शन का लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, ठीक है। अब अगला पढ़ लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक मिनट मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा। तो ये रहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने कैसे पढ़ा था? ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि पहले सिंपल से लैंग्वेज में कहें तो पहले ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसे इससे प्लस करेंगे, और इस केस में पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर इससे प्लस करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रैशनल नंबर शो करता है, कौन कौन से केस में? एडिशन में एंड मल्टीप्लीकेशन में। डिवीज़न में और सब्ट्रैक्शन में ये शो नहीं करता है, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी है रोल ऑफ ज़ीरो। यानी कि अगर हम कोई सा भी रैशनल नंबर है पी बाई क्यू, उसमें जीरो मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। या फिर हम जीरो में कोई सा भी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। ये कहता है रोल ऑफ ज़ीरो, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम रोल ऑफ वन भी है। रोल ऑफ वन क्या कहता है? कोई भी रैशनल नंबर है पी बाई क्यू, उसे वन से मल्टीप्लाई करता है, या फिर वन को पी बाई क्यू से मल्टीप्लाई करता है, तो वो किसके इक्वल आता है? उसी रैशनल नंबर के। ये तो हमें भी पता है। अगर मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो और या फिर 1 को 10 से, तो वो 10 के इक्वल में ही आता है, है ना। 10 क्या है यहाँ? रैशनल नंबर, क्योंकि 10 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 10/1, तो वही रैशनल नंबर आया, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स क्या कहती है? हर एक केस के लिए अलग होती है। एडिटिव के लिए अलग होती है, सब्ट्रैक्टिव के अलग होती है, मल्टीप्लीकेशन के लिए अलग, और डिवीजन के लिए अलग, ठीक है। तो एडिटिव के लिए क्या होता है, मैं एडिटिव वाला समझा देता हूँ। एडिटिव वाले में क्या होता है? अगर मैंने पी बाई क्यू को ये रैशनल नंबर बोला है, और मैंने बोला इसका एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी शो करो, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसमें कुछ प्लस करने पे इसका आंसर जीरो आ जाए, तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। इसके केस में क्या है? इसमें एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस पी बाई क्यू। अगर मैं एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखो इसकी जगह पे ये पुट करके देखाऊँ, पी बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू, देखो मतलब प्लस ब्रैकेट में माइनस पी बाई क्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इससे ये कट गया पूरा, जीरो हो गया। तो यानी कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ऐसे ही सब्ट्रैक्टिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और डिवीजन इनवर्स होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन में क्या होता है? जैसे इसमें इसे प्लस करके जीरो आया, तो इस मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा? इसे मल्टीप्लाई करने पे वन आना चाहिए, तभी यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। अच्छी वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।